लॉग इन, तो एडमिन ऑनलाइन, इसको लॉग इन करवा लेते हैं। अब आप लोग बताएं, डैशबोर्ड आपको आ रहा है, नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है कि जनाब, सबसे पहले आप लोगों ने एलिमेंटर को यानी वही चीजें चाहिए, आपने पूरा पेज क्रिएट करना है, चीजें सारी क्रिएट करनी है। मैं सिर्फ थोड़ा सा इससे पहले एक और काम करना जरूरी है, इससे पहले एक और काम करना जरूरी है, वो रफ अमल है, वो आप लोगों ने बल्कि अभी करना है। आप कोई सी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन कर लें, कोई भी कर लें, ई बे को कर लें, आप अमेजोन को कर लें, आप दराज ऐप को कर लें, ठीक है, लोकल है तो दराज .pk। मैंने पहले भी एक चीज कही थी या पूछी थी कि क्या आपको पूरा प्रोसीजर आता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, आपको क्या आता है कि चीज कैसे परचेज करनी है, कैसे हम लोगों ने कोई जो है वो चीज को पेमेंट कैसे होती है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कभी किया एक्सपेरिमेंट? सर दराज से मंगाया था। ठीक है, यानी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है दराज के ऊपर? जी सर। सही है? हाँ जी सर। ये आपके पास हो गई है वेबसाइट, ओपन हो गई है ना दराज? यहाँ पे दो चलो, लॉग इन एंड साइन अप। एक और चीज है, ट्रैक माय ऑर्डर, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर कस्टमर केयर, क्योंकि ये बी टू बी है, यानी बायर टू बायर मतलब होता है, यानी या बिजनेस टू बिजनेस एक लिहाज से बाय टू बाय चल रहा है, तो सेल ऑन दराज इसके ऊपर ये भी चीज मौजूद है, आप सेल भी करते हैं बाय भी करते हैं, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बना के दे दिया। अब वेबसाइट ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि हम सिर्फ सेल करते हैं, हम सिर्फ सेल करते हो चीजें, तो आमतौर पर ऐसी ही वेबसाइट होती हैं जिसके ऊपर आप लोग सेल करते हैं। फर्ज करें आई शॉपिंग है, आई शॉपिंग PK, बहुत सारी हैं, लोगों ने बेशुमार बना रही हैं जी, यानी हर जो बिजनेस है उन्होंने अपना ऑनलाइन भी दे दिया है, अपनी वेबसाइट दे दी है। वेबसाइट का मतलब भी यही है कि ऑनलाइन भी कोई खरीदारी करना चाहे तो कर सके। नीचे देखिएगा बेटा, फ्लैश सेल इन्होंने लगाई हुई है, चीजें लोड हो रही हैं अभी, मुख्तलिफ कलेक्शंस है, दराज माल आ गया, कैटेगरीज आ गई इनकी, जस्ट फॉर यू आ गया, बेसिकली जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, फर्स्ट करें मैं यहां पे लॉग इन कर रहा हूं, लॉग इन मैं अपने गूगल से ही इसको करवा रहा हूं। इसी आईडी से मैं रजिस्टर्ड हूं यहां पे, बल्कि दो आईडीज है मेरी, तो यहां पे ये अभी दे देता है। ओके, ऊपर देखें नाम आ चुका है मेरा, जी सर। जी सर। ठीक है, अब मैं कोई चीज फर्ज करें परचेज करते हैं हम लोग यहां पे, जैसे लेट्स सपोज कि ये वो कह रहा है जी कोई वायरलेस ब्लूटूथ ये है हैंड फ्रीज,
ये 589 में दे रहा है, 2200 की है वैसे, तो ये 589 में दे रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, यहां पे गौर करें कि ये चीजें ओपन हुई हैं, बाय नाउ ऐड टू कार्ट और क्वांटिटी कितनी चाहिए। गॉट इट? जी सर जी बिल्कुल सर। और ऊपर एक टाइमर जा रहा है कि फ्लैश सेल कब तक खत्म होगी। ये वही टाइमर है जो कि मैंने आपको प्रो वर्जन में भी दिखाया था कि ये वाला टूल उठाएंगे तो आप टाइमर लगा सकते हैं कि कब तक। फिर जितनी सोल्ड हैं आइटम्स वो उसने शो कर दें कि इतनी सोल्ड हो चुकी है, इतनी बिक चुकी हैं, जो बकाया होंगे वो भी यहाँ पे वो शो कर सकते हैं क्योंकि सेल में है। फिर इनके कलर्स आ जाते फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी, एक एक चीज पे गौर करें जरा। इन सभी को हमने एक एक चीज को ट्रीट करना है, बनाना है ऐसे। कलर फैमिली ये देखिए, व्हाइट कलर दे रहा है और कलर एक ही है वैसे, कलर फैमिली उसने दी हुई है। यहाँ पे पिक्चर्स आ जा, इसके मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। जैसे हम माउस का पॉइंटर लेके आते तो पिक्चर्स यहाँ पे एक साइड पे शो। ओके, हम इसको करते हैं ऐड टू कार्ट, इसको कर लेते हैं ऐड टू कार्ट। ये ऊपर कार्ट बना हुआ है, दिस वन, ये आइकन जो है ये कार्ट है हमारा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं शो हो रहा, मैं इसको ऐड टू कार्ट करने जा रहा हूं। अच्छा, ये कह रहे हैं ठीक है, कार्ट में चला गया। वन आइटम हैज बीन एडेड टू योर कार्ट, क्वांटिटी वन आ चुकी है। यहाँ पे कहता है जी गो टू कार्ट, आप कार्ट पे जाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको क्रॉस अभी फिलहाल कर रहा हूं। अब जरा कार्ट पे देखें, पहले ये वन शो हो रहा था। सर पहले नहीं था। अब चूंकि एक आइटम हम लोगों ने ऐड करवा ली है तो यहाँ पे शो हो रही है तो आपके कार्ट के अंदर एक चीज आ चुकी है। यहाँ पे अब क्लिक यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। हम यानी इसका मकसद यही होता है कि आप वापस जाएं, कोई और चीज अपने कार्ट में रखें, यानी हमें और भी चीज को चाहिए, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं ऐड तो यहाँ पे फिर टू आइटम्स आ जाएंगे। एक ही दफा बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे जनाब क्लिक और हमारा कार्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा लाइक दिस। क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे दोबारा से वो चीज देने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज आपको कार्ट भी ये शो नहीं करता, आप प्रोसीड टू चेकआउट नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पे देखें, अब वो कहता है द बिग शॉप जिनकी तरफ से है जो सेल का, और ये इतने की चीज है कि आपने लेनी, यहां भी क्वांटिटी इसको दी जा सकती है। अगर आपने इसको अपने फेवरेट में रखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, डिलीट करना चाहते हैं आइटम कोई भी किसी टाइम भी तो यहाँ पे डिलीशन की भी साथ ऑप्शन मौजूद है। ओके, हम दोबारा से जाते हैं यहाँ पे दराज पे, यानी मेन पेज है इनका। अब वो कह रहा है जी डाउनलोड दी ऐप एंड गेट 150 ऑफ, यानी ये नए कस्टमर्स के लिए। नया कस्टमर कौन होता है? जो नई आईडी के साथ और नए फोन नंबर के साथ आता है वो नया कस्टमर होता है। इनको दो चीजें बेसिकली हमारी रिक्वायर्ड होती हैं, बाकी पूरा हम लोग घर का एड्रेस हर चीज वो इनको देते हैं अपनी तमाम, वो चूंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं पैसा भी इन्वॉल्व और चीज भी आती है हमारे पास। अब बिल्फर्स हमने चीज लेनी है या नहीं लेनी। अच्छा, फिर द्रास जो है इंटरनेशनली ये कितने करेंसीज को थोड़ा देखिएगा, ये पाकिस्तान बांग्लादेश है श्रीलंका है और उसके अलावा मालदीव्स है और भूटान है, ये मुख्तलिफ जो है ये पांच कंट्रीज, अफगानिस्तान कंट्रीज में ये वर्क आ रहा है।
सॉरी साउथ एशियन है ये सारे, श्रीलंका एक और एक मेरा ख्याल है ये श्रीलंका, तो ये हो गया, मालदीव्स और भूटान है शायद। तो पांच कंट्रीज में दराज इंटरनेशनल वर्क करता है, इंटरनेशनल है ये भी चीजें हम लोग सेटल करते हैं। फिर कौन सा है सर लास्ट वाला जो नेपाल है? नेपाल है, ओके। अच्छा ये देखिएगा पेमेंट मेथड है, तो पेमेंट मेथड इसमें दिए हुए कैश ऑन डिलीवरी, वीजा कार्ड के थ्रू हो सकता है, मास्टर कार्ड के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, यूनियन पे है और जैस कैश है, यानी इनके थ्रू आप वो कहता जी पे कर सकते हैं। ओके अच्छा, बहुत ज्यादा चीजें यानी जो भी आप ऐड करेंगे वो आ जाती है। उसके बाद अगली जो चीज है हम लोग प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, यानी ये आइटम आ गई, हमने प्रोसीड टू चेकआउट करना होता है। प्लीज सिलेक्ट आइटम, इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रोसीड टू चेकआउट 69 बिल, वो कहता है जी स्टैंडर्ड आपको खर्चा पड़ेगा, यानी इसके ऊपर जो डिलीवर करेंगे ये। और सी टू चेक आउट किया मैंने, तो यहां पे अब वो पूछेगा पेमेंट मेथड, अब यहाँ पे देखिएगा वो कह रहा जी अगर तो आपको डिलीशन फुल नेम, फोन नंबर, एड्रेस यहाँ पे दें और एग्जांपल दी हुई है उसने, और उसको सेव कर दें। ये उस कस्टमर के लिए होता है जो ये नया हो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इनके पास रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे वाउचर को कोड अगर लगाना है वो लगाएंगे, और उसके बाद इसको अप्लाई हम लोग कर देते हैं, और उसके बाद प्रोसीड टू पे। अच्छा इधर ये मांग रहा है, वैसे जो ऐप है मेरे पास, जो फोन के अंदर ऐप है, वहां पे ये नहीं मांगता, हालांकि ऊपर नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूज के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है चीजें, तो मैं हो गया था, इसको लॉग आउट में करता हूँ। बात समझ आ गई है ना, ये चीजें हमें देना पड़ती हैं। तो यहाँ पे चले भूल गया, ऐप के अंदर दिया हुआ है, कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, यानी लॉग इन जब साइन अप करेंगे तो वो पूरा फॉर्म फिल करवाता है। आपका नजदीक तरीन जो आपको वेयर हाउस लगता है इनका दराज ऐप का, वो भी आपने बताना होता है, आपके इलाके के करीब इनके चार फैसलाबाद के अंदर, तो चारों का पूछता मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर है, वो तो वो पूछता कि आपको कौन सा करीब तरीन लगता है। अच्छा ये चीजें हैं बेटा जो हम लोगों ने करनी है। तो मजीद यहाँ पे ओपन करवाते हैं, शॉपिंग डॉट पी के, अच्छा अगर लेट्स सपोज आप अपनी ही चीजें सेल करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक वेबसाइट बना ली एंड दैट्स इनफ, नो, आपको फेसबुक के ऊपर भी अपना पेज क्रिएट करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम का भी अकाउंट मैनेज करना है, यानी पूरा एक, अगर आप अकेले हैं तो सारा दिन आप कंप्यूटर के साथ लगे रहेंगे, तो फिर वो चीजें जो है आप प्रॉपर उसकी मार्केटिंग कर पाएंगे, पूरी मार्केटिंग है ऑनलाइन की, फिर जाके ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट होके तो आपका जो वो आता है सारा कुछ।
यानी ये अभी मैंने आई शॉपिंग को ही ओपन किया, तो यहाँ पे देखे इनका फेसबुक पेज भी है, पोस्टें हैं इनकी, लिंक्डइन के ऊपर इनका, उसने लिंक्डइन के ऊपर भी शो कर दिया है। समझ आ रही है ना बात? तो मुख्तलिफ जो है वो क्रंच बेस कंपनी, और यहाँ पे जनाब ट्विटर के ऊपर भी इनका अकाउंट है, यानी हर जगह पे आपको फिर वो चलाना पड़ता है आजकल। आजकल ये नहीं है कि आपने बस एक आध कर लिया, वेबसाइट बना ली एंड दैट्स इनफ, ऐसा नहीं है, आपको पूरी मार्केटिंग करना पड़ती है फिर। अच्छा, अभी आज के दिन आप यही करें, इन चीजों को देखें फिलहाल, और एक तो ये करना है, सेकंडली मैं अभी आपके सामने यहाँ पे हमें जिस चीज की जरूरत है, जो प्लगइन हम लोग करेंगे, पहले पेजेस मैं आप लोगों को दिखा दूं, हमारे पास पेजेस हैं प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैंपल पेज, ये दो पेजेस हैं हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट हम लिख, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, दो पेजेस हैं। बैठो। अच्छा, हमें जिस प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, नए प्लगइन की, वो हम लोग यहां से एड न्यू पहले करवाएंगे। उसका नाम है WooCommerce। WooCommerce प्लगइन ही नहीं है, ये पूरा इंजन है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का पूरा इंजन है, जो कि इंजन के तौर पे ये वर्क करता है, यानी उसका बैकएंड पे हर चीज जो हो रही है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन की है, वो तमाम की तमाम WooCommerce की मदद से आती है। ऑटोमेटिक ये कंपनी का नाम है जिनका ये WooCommerce है, और 5+ मिलियन इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, यानी इट मींस के 50 लाख से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं उनमें WooCommerce चाह रहा है, जो ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके जी सर, इसको इंस्टॉल करेंगे सर, इसको इंस्टॉल करेंगे, कोई 8-9 MB का है ये प्लगइन, सबसे भारी यही प्लगइन है जितने भी हैं हम लोग यूज कर। हाँ जी, होगी जी। अच्छा, सामने विश्वास पे जाते हैं कल सबका ट्रेनिंग सर ने टाइम दिए थे 4 बजे का, सही है, मैंने कहा था अपने मोबाइल से इंटरनेट आ रही है ना, कि इस दफा ने को फिजिकल ट्रेनिंग दे, क्योंकि फिजिकल बेहतर है, ऑनलाइन में ना आधे लड़के तो अपनी मार्केट प्लेस बंद करवा रहे हैं, फिजिकल कुछ बनाऊंगा ऐसे, सही है, कल भी सर ने पैकेज लगा के मोबाइल तो नहीं लाने, हां लाएंगे उनकी होगी, चले ये सर असल में सीरियस फन पे होता है, कि कौन वही वही बात है ना, जिसको नीड होती है वो सीरियस होता है, वो हर काम करते हैं ऐसे ही है, और जिसको घर से मां-बाप नीड, हां बस यही मसला है ना, जिसको घर से सामने मिली उसको क्या जरूरत है, हम लोग समझते तो यही है, जिसने कोई वर्किंग करनी है या जिसके सर पे पड़ी है या जो चाहता है कि यार मुझे करना चाहिए, इन तो हूँ कम अज कम वो सारा कुछ हो जाता है। और ये आपने जो कर दी थी उनमें सारी कॉन्फिडेंस है, आज ये भी थी और भी, इनसे तो क्वेश्चन भी नहीं करते, इनमें कॉन्फिडेंस में ये नहीं काम करेंगे मुझे, नहीं मैं क्या मैंने बोला था वो चीजें अगर एक्सपीरियंस है वो मैंने बताया था ना कि ये साथ में। मैं तो ये जो बिजनेस है सबसे अच्छी सोलर गर्ल्स के लिए है, घर में बैठे हैं आपकी ऐसे ही, सबसे बड़ी बात है इसमें सिक्योरिटी का, अगर पाकिस्तान में काम करना तो यहाँ के लोग तंग करते हैं, सही है, वहाँ के लोग पूरी पॉइंट बात करते हैं ऐसे ही, वो खुद ही ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं, ऐसे ही ज्यादा बात नहीं है। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये जनाब बैठो, अभी ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है WooCommerce, इसको एक्टिवेट करवाएंगे। अच्छा, जैसे ही एक्टिवेट करवाया वो कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है हमसे, वो कह रहा है जी वेलकम टू WooCommerce, क्या आप लोगों के पास ये स्क्रीन शो हो गई? जी सर हो गई है। एड्रेस का पूछ रहा है,
एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल है, कंट्री रीजन है, सिटी है, पोस्ट कोड है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि वो पूछ रहा है हमसे। इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे बिल फर्स्ट हम ये इतनी चीज़ें ले रहे हैं जी, स्टोर की डिटेल, इंडस्ट्री आपकी कौन सी है, आपकी प्रोडक्ट की टाइप कौन सी है, बिजनेस डिटेल और थीम कौन सा यूज करेंगे, ये चीजें इतनी ये पूछ रहा है। फर्ज करें हम यहां पे दे देते हैं चले हम यहां पे दे देते हैं जी कोहिनूर वाला रोड, ठीक। कंट्री हम पाकिस्तान को करेंगे सिलेक्ट। पाकिस्तान पे जैसे ही आए तो उसने कहा आजाद कश्मीर में है पाकिस्तान के आप रहते, बलूचिस्तान, फाटा जीबी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आईसीटी जिसको कहा जाता है, खैबर पीके है पाकिस्तान में, पंजाब में है, सिंध में और आगे युगंडा वगैरह का आ गया। तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान पंजाब करेंगे, देना आप लोगों ने, यानी कम से कम ये काम आप लोग करके रखिएगा। पोस्टल कोड देंगे लाजमी, ये देना पड़ता है 38,000 है और कंटिन्यू करना है। वो कहता है बिल्ड अ बेटर वो कॉमर्स, गेट इम्प्रूव फीचर एंड फिक्स सेंसिटिव, नो थैंक्स, कंटिन्यू करो उसको। अच्छा बाकी चीजें कि किस चीज से मुतल्लिक आप बना रहे हैं, फैशन अपैरल एक्सेसरीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, फूड एंड ड्रिंक्स, होम फर्नीचर एंड गार्डन, एजुकेशन एंड लर्निंग और अदर्स, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे करना है जिस चीज़ के मुतालिक हो, चेक बॉक्सेस हैं बेसिकली। तो आप लोग फर्ज करें ये तमाम चीज़ों से मुतालिक आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा इसको मैं स्किप करवा रहा हूँ जी। फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं आपकी या डाउनलोडेबल है, ये दो चीजें दे रहा है यहाँ पे, हमारी फिजिकल है इसको कंटिन्यू। उसके बाद है जी बिजनेस डिटेल है, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, कितनी करना चाह रहे हैं। आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट येट, अगर आपके पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, एक से लेकर 10 तक है, 11 से 100 तक है, 101 से 1000 तक है या 1000 प्लस है, तो आप कोई भी इनमें से दे दें। करंसी सेलिंग जो है वो क्या होगी, स्टोर पावर्ड बाय वूकॉमर्स अनदर प्लेटफॉर्म, नो, इसको नो कर देते हैं फिलहाल। सॉरी वो कह रहा है जी करंटली सेलिंग एल्सवेयर, कहीं पे अभी कोई सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अभी हमने नो कर दिया, ये जितने हैं इनको आपने ऑफ कर देना है, मार्केट ऑन फेसबुक ये वो वगैरह, गूगल एड्स, अदरवाइज ये सारे आपसे करवाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। थीम पूछ रहा कौन सा यूज करेंगे, 2021 वही आ गया, स्टोर फ्रंट ये थीम दे रहा है जी, खुद से हमें दे रहा है जो वर्डप्रेस है, तो हम लोगों ने यह एक्स्ट्रा करना है मैंने बोला था, या ऑप्शन WP इसमें से कर लेंगे, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो करने के बाद, ये काफ़ी सारे थीम हैं आपको ये मिल रहे हैं, तो यहाँ से फिलहाल इसको मैं स्किप करवा रहा हूँ, तो नो थैंक्स इसको करना है। यहाँ पे टैक्स वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन है और दूसरी चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ एक चीज अभी दिखानी है, बाकी बहुत कुछ है इसका कन्फिगर करने वाला, यानी ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही होती है हमारी। हमने पेजेस में जाना है, पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ पेजेस पहले नहीं थे, बल्कि काफी सारे नहीं थे, अब बन चुके हैं। कौन कौन से बन चुके हैं आप लोग पढ़ के बताएं कोई भी, एनीवन सर एक कार्टून जी,
ठीक है, चार पेजेस हमारे पास आए, कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट एंड शॉप, चार पेजेस आए। ठीक है जी, तो ये फोर पेजेस उसने खुद बना के दिए हैं, यानी हमें जरूरत नहीं है। बाकी इंशाल्लाह बेटे हम लोग कल करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे सारा। ओके जी, बहुत सर। कल इंशाल्लाह हम लोग सारा इस पे वर्क करेंगे। अभी आप लोग बाकी चीजें देखें और आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं क्लास को, कल इंशाल्लाह होती मुलाकात। सर पेपर की एग्जैक्ट डेट पता है? नहीं बेटे अभी आई नहीं है, डेट शीट नहीं आई पेपर, लेकिन आपका 23 तक क्लास है, तो उसके मैंने बोला था 2-3 दिन के बाद फॉरन आ जाती है, यानी वो डेट दे देते हैं 2-3 दिन बाद की पेपर के लिए। सर एक्चुअली हमारे यूनि के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं ना, और प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं। अच्छा हाँ जी, तो ये ना हो के उसी दिन हो और उसी दिन ये हो। अल्लाह खैर करे, क्या होगा, क्या और क्या 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 होगा, मतलब नहीं नहीं आपसे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने, मसलन वो कह देता जी एस टी स्टैंड फॉर, सी एस एस स्टैंड फॉर, यू फॉलो, तो इस टाइप के मतलब कौन सा जो रोल है, सब्सक्राइबर का क्या रोल होता है, या सबसे कम जो है ऑथेंटिकेशन किसके पास हैं, कौन कौन से रोल्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सर ड्यूरिंग पेपर हमारा कैमरा ऑन होगा? नहीं जरूरी नहीं है, वो कहते तो हैं लेकिन मैंने तो नहीं करवाया जी। असल में सर मार्किंग आप करेंगे, बोर्ड का जो बंदा होता है ना उसको भी लिंक जाता है, वो भी यहाँ पे लॉगिन होता है, तो वो फिर सारा कुछ वाच कर रहे होते हैं। आपने मेरे से बातचीत नहीं करनी इस तरह से उस दिन। ये सारा मैं गाइड कर दूंगा, जब आएगी डेट शीट हम 23 के बाद भी एक आध सेशन रखेंगे जो कि पेपर के बारे में ही होगा जी सर। ओके ठीक है।